अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, होप यू ऑल आर फाइन एट होम। लेट्स स्टार्ट आवर टुडे लेक्चर, साइंस कार्निवल क्लास वन। चैप्टर नंबर है हमारा वन, द ग्रीन वर्ल्ड। द ग्रीन वर्ल्ड के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। लास्ट लेक्चर्स में हम लोग क्या पढ़ चुके हैं, आज हम उसे एक दफ़ा रिवाइज कर लेते हैं। हमने पढ़ा था व्हाट आर प्लांट्स, कि प्लांट्स क्या होते हैं। प्लांट्स आर लिविंग थिंग्स एंड कैन बी फाउंड इन योर सराउंडिंग, ये हमने इसका आंसर किया था। व्हाट आर प्लांट्स का, प्लांट्स आर लिविंग थिंग्स एंड कैन बी फाउंड इन योर सराउंडिंग, कि प्लांट्स जो हैं वो लिविंग थिंग्स होते हैं और हमारे इर्द गिर्द पाए जाते हैं। उससे नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन था प्रैक्टिस जोन में, व्हाट इज़ अ हैबिटेट, हैबिटेट क्या होता है, रिहाइश क्या होती है, मस्कन क्या होता है। तो हमने हैबिटेट की डिफाइन का आंसर यहाँ से किया था। A habitat is a place where living things live. It provides them with food and shelter. कि habitat मस्कन वो जगह है जो हम living things को provide करते हैं रहने के लिए और खुराक के तौर पर। उससे next question था circle the animals who only live on trees, कि उन animals को circle करें जो trees पर रहते हैं। Bear है, monkey, elephant and parrot। तो हमने monkey और parrot को circle कर लिया था। नेक्स्ट था हमारा हाउ मैनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट डू यू सी, क्वेश्चन उन्होंने पूछा था कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स जो हैं वो कितने हैं जो आपने सी किए हैं, देखे हैं। तो हमने यहाँ से किया था प्लांट्स कम इन डिफरेंट शेप्स एंड साइज़, के मुख्तलिफ शक्ल और मुख्तलिफ साइज़ के होते हैं। हेयर आर सम प्लांट्स यू माइट हैव सीन अराउंड यू, कि यहाँ पर वो कुछ प्लांट हम लोग डिस्कस करेंगे जो हम अपने इर्द गिर्द देखते हैं। तो हमने उनमें किया था ट्रीज़ को, trees are big plants, they are tall and strong, के trees जो हैं वो बड़े पौधे होते हैं, लंबे और मज़बूत होते हैं, tall and strong। हमने यहाँ पे इनकी example भी की है, neem tree, mango tree, lemon tree, gulmohar tree। उससे next हमने किया था herbs, herbs जड़ी बूटियाँ। herbs like basil and mint are small plants, के herb जैसा कि एक example दे दी गई थी, basil तुलसी, काली तुलसी, mint पुदीना। तो herb जो है वो जैसे कि तुलसी का पौधा होता है या पुदीने का, छोटे छोटे पौधों की तरह होते हैं। they are used as medicine, कि इन्हें medicine के तौर पर भी हम इस्तेमाल करते हैं। herbs हो गया था plants के example में। उससे next था shrubs, shrubs और bushes जैसे कि झाड़ियाँ होती हैं। shrubs और bushes like rose and hibiscus are not as tall as tree, के जैसा कि rose गुलाब का पौधा और hibiscus चिपटे पत्तों वाला एक पौधा होता है, उसके तरह के होते हैं shrubs और वो trees दरख्त की तरह लंबे नहीं होते। they are woody plants, के लकड़ी के होते हैं पौधे with short stem, लेकिन इनके तने छोटे होते हैं, thorny branches और कांटेदार टहनियाँ होती हैं। ये हमारी shrubs की होगी थी define। उससे नेक्स्ट था क्रीपर्स, क्रीपर्स क्या होते हैं। क्रीपर्स लाइक वाटरमेलन आर वीक प्लांट्स, के जैसा कि वाटरमेलन होता है तरबूज, उसकी तरह के होते हैं वीक प्लांट, कमज़ोर पौधे। दे कैन नॉट ग्रो स्ट्रेट विदाउट सपोर्ट, कि ये जो हैं वो सपोर्ट के बिना स्ट्रेट ग्रो नहीं करते, सीधे ग्रो नहीं होते। दे ग्रो एंड कवर अ लॉट ऑफ द ग्राउंड, के वो ग्रो करते हैं लेकिन ज़मीन पर बिछ जाते हैं और ज़मीन का बहुत सा हिस्सा जो है वो कवर कर लेते हैं। ये वाटरमेलन इसकी एग्जाम्पल में आ गया था। क्लाइंबर्स, क्लाइंबर्स क्या होते हैं। क्लाइंबर्स हैव सॉफ्ट स्टेम, के इनका तना जो है वो सॉफ्ट होता है। दे नीड सपोर्ट टू ग्रो स्ट्रेट, के इन्हें स्ट्रेट ग्रो करने के लिए सपोर्ट की ज़रूरत होती है, सच एज अ वॉल और अ फेंस, जैसा कि दीवार या फेंस, कोई भी लकड़ी या बाड़ वगैरह। तो हमने एग्जाम्पल में क्या किया था क्लाइंबर्स की, ग्रेप वाइन, अंगूर की जैसी बेल होती है, ये भी देखें इसे, ये एक लकड़ी का सहारा दे के स्ट्रेट ग्रो करवाया जा रहा है। पी प्लांट, मटर का पौधा, और मनी प्लांट ये होता है। ये हमारे लास्ट लेक्चर्स में हमने यहाँ तक क्लाइंबर्स तक कर लिया था। होप्स हो कि आप सब ने इन्हें अच्छे से प्रिपेयर किया होगा, इन डिफाइंस को, क्वेश्चंस को, और राइट कर लिया होगा। लेट्स स्टार्ट आवर टुडे लेक्चर। आज के लेक्चर में है हमारा प्रैक्टिस जोन। प्रैक्टिस जोन हम करेंगे मैच दीज ट्रीज टू देयर नेम्स, ट्रीज दिए गए हैं उन्हें नेम्स के साथ मैच करना है। पिक्चर्स हैं और यहाँ पे नेम्स हैं, जैसे है मैंगो ट्री, नीम ट्री, लेमन ट्री। मैंगो ट्री आम का दरख्त, नीम का
दरख्त और लेमन लीमू का दरख्त। तो ये आप देखें यहाँ पे ट्रीज़ में हमने ये पिक्चर्स देखी थी, नीम ट्री की, मैंगो की और ये लेमन की। तो हम इसी से शेप्स को देख के मैचिंग करेंगे। अगर आपने ऑब्जर्व की हो ये शेप्स, जैसे कि ये लेमन पे देखिए ऑरेंज कलर की ना, ये येलो से कलर की हमें नज़र आ रहा है फ्रूट, तो ये लेमन ट्री हो गया। मैंगो का ट्री देख लें और ये नीम। अब यहाँ पे हम लोग मैचिंग करते हैं। फर्स्ट ये देखें तो येलो कलर ही हमें नज़र आ रहा है, तो मीन ये लेमन ट्री होगा, हमने इसे लेमन ट्री के साथ मैच कर। उससे नेक्स्ट जो है ये नीम की शेप है, नीम ट्री। लास्ट मैंगो ट्री, ये मैचिंग होगी हमारी। या आप अगर अच्छे से इन्हें ऑब्जर्व करेंगे पिक्चर्स को, तब आप मैचिंग करेंगे। उससे नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन लर्निंग जोन में, व्हाट आर द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट, कि प्लांट के जो डिफरेंट पार्ट्स हैं वो क्या होते हैं वो बताएं, उन्हें डिस्कस करें। प्लांट्स आर मेड अप ऑफ डिफरेंट पार्ट्स, कि प्लांट जो है, एक पौधा जो है वो मुख्तलिफ हिस्सों से बना होता है। प्लांट्स हैव रूट्स, रूट्स जड़ें, अ स्टेम एक तना होता है उसका, एंड लीव्स और पत्ते होते हैं। मैनी प्लांट्स हैव फ्लावर्स एंड फ्रूट्स टू, कि बहुत सारे वो पौधे जो हैं उनके फ्लावर्स भी होते हैं, जैसे कि फूल एंड फ्रूट्स, और फल भी लगा होता है। बहुत सारे प्लांट्स ऐसे भी होते हैं। द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट, पार्ट्स के डिफरेंट प्लांट्स के ना पार्ट्स हम देखेंगे यहाँ पे। ये हमें पिक्चर दी गई है, उसमें उन्होंने लेबल भी कर दिया है इसको। फर्स्ट हम देखेंगे रूट, ये देखें अंडर द सॉइल जो पार्ट होता है वो रूट होता है। रूट जो है वो मेन पार्ट भी आप कह सकते हैं, कि ये जो है वाटर कैरी करता है अदर पार्ट ऑफ द प्लांट, प्लांट के डिफरेंट जो होते हैं पार्ट्स वहाँ तक वाटर कैरी करता है। उससे नेक्स्ट है स्टेम, स्टेम जो है वो तना होता है, वो रूट से पानी कैरी करता है और बाकी पार्ट्स को वो जो होता है सप्लाई करता है वाटर। ये देखें ये जो होता है सेंटर वाला पोर्शन, ये स्टेम है। उससे नेक्स्ट आगे हम लीव पे, लीव ये स्टेम से वाटर जाता है लीव्स को, और लीव्स जो हैं वो फूड बनाने में फिर वो वाटर यूज़ करते हैं। उससे नेक्स्ट आ गया फ्लावर, ये अट्रैक्टिव पार्ट भी होता है, जैसे कि अगर आप किसी भी प्लांट के ऊपर फ्लावर देखें तो आप अट्रैक्शन होती है आपको, कि ये देखें हम फ्लावर किस तरह का है। उससे नेक्स्ट है फ्रूट, ये हो गया हमारा पार्ट्स ऑफ द प्लांट, यहाँ तक हो गए। अब यहाँ पे नेक्स्ट हमारा प्रैक्टिस जोन में ही है, लेबल द पार्ट्स ऑफ द प्लांट ब्लो, कि नीचे आपको वो प्लांट दे दिया गया है और उसके वो बॉक्सेस बना दिए गए हैं कि आपने खुद ये जो है लेबल करनी है। तो जैसा कि हमने ये पढ़ा है यहाँ पे, ये देखें अंडर द सॉइल पार्ट जो होता है वो क्या होता है, हमने पढ़ा था अंडर द सॉइल पार्ट रूट होता है, जो ज़मीन के अंदर हिस्सा होता है उसे हम रूट कहते हैं, जड़ कहते हैं, आर डबल ओ टी, रूट, रूट मीनिंग जड़। उससे नेक्स्ट हम जाएंगे स्टेम, जो सेंटर पार्ट है, जैसे ये जो स्टेम, स्टेम एस टी ई एम, स्टेम तना, रूट के साथ जो होता है ज्वाइन होता है, तना होता है और वो रूट से वाटर कैरी करता है। उससे नेक्स्ट ये देखिए हमारी लीव, एल ई ए एफ, लीव मैंने पत्ता, और ये सबसे ऊपर जो है फ्लावर, एफ एल ओ डब्ल्यू ई आर, फ्लावर। यहाँ तक आपका आज का लेक्चर है। आज के लेक्चर में हमने क्या किया है, मैचिंग की थी, पिक्चर मैचिंग थी हमारी, कि हमने हमें पिक्चर्स दी गई है और नेम्स के साथ हमने मैच करना था, हमने वो मैच किया है। और उसके बाद हमारा था सेकंड जो है, हमने क्या किया है, व्हाट आर द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट, के प्लांट के जो मुख्तलिफ हिस्से होते हैं वो हमने डिस्कस किए हैं। आज हमने जस्ट इनके नेम्स देखे हैं और पिक्चर से हमने देखा है कि रूट्स क्या होती हैं, स्टेम क्या होता है, फ्रूट क्या है, लीफ क्या है और फ्लावर क्या है। नेक्स्ट हम इसके जो डिफरेंट पार्ट्स हैं उन्हें हम नेक्स्ट लेक्चर्स में डिस्कस भी करेंगे। और साथ में हमें ये डायग्राम दी गई थी कि आपने ये डायग्राम जो है वो लेबल करनी है। अब ये जो दोनों काम हमने आज बुक पे किए हैं, मैचिंग और ये लेबल करना, ये आपने अपनी बुक्स में भी
मैच भी करना है और लेबल भी करना है और इन शेप्स को अच्छे से ऑब्जर्व करना है कि अगर आपको पेपर में मैचिंग आ जाए तो आप मैचिंग कर सकें। और ये जो है लेबल द डायग्राम, इसके पार्ट्स को अच्छे से आपने याद रखना है कि रूट्स क्या होते हैं, लीफ, स्टेम, फ्लावर और फ्रूट, ताकि आप इनके स्पेलिंग्स भी अच्छे से याद करिएगा कि अगर आपको ये डायग्राम दी जाए तो आप इनको लेबल कर सकें। ओके जी, आज का लेक्चर हमारा यहाँ पे एंड होता है। स्टे होम, स्टे सेफ, अल्लाह हाफिज़।